गुजरात दंगों के ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं जो 2002 में हुए थे गुजरात दंगे। चार या पांच तो फुल लेंथ फीचर फिल्म्स ही हैं जो हमारी इस इंडस्ट्री ने, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, उसने बनाई है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज का तो कोई हिसाब ही नहीं है जो गुजरात दंगों के ऊपर बनी है। इसके बाद बात करें कश्मीर इशू की तो उसके ऊपर भी काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं। डॉक्यूमेंट्रीज तो बेतहाशा हैं, लेकिन अगर हम फीचर फिल्मों की बात करें जैसे हैदर हो गई, मिशन कश्मीर हो गई, इस टाइप की फिक्शनल फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन उनमें भी एक साइड की क्या परेशानी है, जो वहाँ के मुसलमान हैं उनके साथ भारत सरकार कैसे गलत कर रही है, फौज क्या गलत कर रही है, ये सब दिखाया गया है, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे हिसाब से जिसको जो फिल्म बनानी है वो बनाने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन बात जब कश्मीरी पंडितों की आती है तो हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री ने, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हर साल प्रोड्यूस करती है, हमारे इस बॉलीवुड ने कश्मीरी पंडितों के एग्जोडस के ऊपर एक भी फिल्म नहीं बनाई है। अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की बात करें तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके ऊपर आज तक चार या पांच डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं और उनकी भी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ जैसा हुआ वैसी दूसरी घटना, अत्याचार के वैसे ही दूसरे उदाहरण हमें स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलते। जरा सोचिए कि लाखों लाख कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को मारा गया, काटा गया, उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके घर, व्यापार, मकान, दुकान फूंक दिए गए। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर में हिंदू पैदा हुए थे। और आज तक इस देश में किसी ने भी उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है, कम से कम अच्छी डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनाई है। दोस्तों, मैंने निर्णय लिया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके ऊपर मैं एक अच्छी सी हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैं कश्मीर के अंदर जाना चाहता हूं, उन घरों के अंदर जाना चाहता हूं जिनको फूंक दिया गया था, जहां कभी कश्मीरी पंडित रहा करते थे, उन घरों के अंदर से, उन घरों के बाहर से मैं आपको उनकी कहानियां सुनाना चाहता हूं। इसके अलावा मैं उन कश्मीरी पंडितों को भी ट्रैक करना शुरू कर चुका हूँ जिनको उनके घरों से निर्वासित कर दिया गया था। मैं उनके दुख, उनके दर्द, उनको कैसा लग रहा था उस समय, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचाना चाहता हूं। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको एक 10-15 मिनट के वीडियो से नहीं समझा जा सकता और ना ही 10-15 मिनट में उसको समेटा जा सकता है। जरूरत है एक अच्छी सी फुल लेंथ फीचर डॉक्यूमेंट्री बनाने की, और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए चाहिए पैसा। अब इस पैसे को प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि मैं अपना आइडिया लेकर, अपने स्क्रिप्ट लेकर मीडिया हाउसेस के पास जाऊं, कॉर्पोरेट के पास जाऊं, प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाऊं और उनको ये आइडिया पिच करूं, उनको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाऊं। अगर किसी को पसंद आ जाती है तो हो सकता है कोई पैसे भी दे दे। और मेरे खुद के भी कॉर्पोरेट में बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं खुद कंसल्टिंग में रह चुका हूं। उसके अलावा मैं इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बी स्कूल में पढ़ाता रहा हूं, वहां जॉब कर चुका हूं, मेरे काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रास्ता अपनाना नहीं चाहता। अगर मैं ये रास्ता अपनाता हूं तो जो व्यक्ति या संस्था इस डॉक्यूमेंट्री में पैसा लगा रहे होंगे वो किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पर ये जरूर कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एक हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्री होगी, इसमें नंगा सच होगा। और मान लीजिए कि जो पैसा लगा रहा है वो कुछ भी नहीं कहता, जैसे मैं बनाना चाह रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बनाने देगा, फिर भी कंट्रोवर्सी तो जरूर होगी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आएगी, जो नहीं सुनना चाहते कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उनके साथ जो अत्याचार हुए थे वो लोग नहीं सुनना चाहते, और वो उस संस्था या व्यक्ति को जरूर टारगेट करेंगे जो इस डॉक्यूमेंट्री में पैसे लगा रहा होगा। इसलिए मैं दूसरा रास्ता अपनाना चाह रहा हूं, और वो रास्ता है कि मैं आप लोगों से सहायता के लिए प्रार्थना करूं। यदि आप लोग मेरी सहायता करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी कि मैं बनाना चाह रहा हूं, एकदम नंगा सच, हार्ड हिटिंग ट्रूथ। आज की डेट में आपके इस चैनल के लिबरल हिंदू परिवार के लगभग 4.25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यदि हर व्यक्ति 100-100 रुपए भी देता है तो 40 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम है। मुझे 40 लाख नहीं, मुझे केवल 10-15 लाख रुपए की आवश्यकता है एक अच्छी वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, जिसका नाम होगा पैराडाइज लॉस्ट, इसको फाइनेंस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्राउड फंडिंग का रास्ता अपना रहा हूं।
पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए मैंने केटो नाम की एक वेबसाइट के ऊपर फंड रेजर प्रोजेक्ट बना दिया है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार योगदान कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों को शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं जो फ्री में काम करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम हैं जो फ्री में नहीं हो सकते, जैसे कि शूटिंग, इक्विपमेंट और बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री में नहीं हो सकती। यात्रा करना, वहां पर जाकर रुकना, ये सब फ्री में नहीं हो सकता, इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। और ये डॉक्यूमेंट्री मैं एक वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप Amazon Prime और Netflix पर देखते हैं, उस लेवल की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में पिछले 6 महीने से एक कोर्स भी कर रहा था जो पूरा हो गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की पढ़ाई भी मैंने पूरी कर ली है। इस डॉक्यूमेंट्री को मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूं। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद प्रॉफिट्स बनाना नहीं है, ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस डॉक्यूमेंट्री होने वाली है। और यदि कल को मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट्री किसी फेस्टिवल में जाती है, इसे कोई इनाम मिलता है, या यूट्यूब पे जितना भी पैसा कमाएगी वो सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के किसी एनजीओ के लिए जाएगा। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बढ़ चढ़कर योगदान करें, बढ़ चढ़कर सहायता करें। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।